सदर कोतवाली थाना अंतर्गत फवारा चौराहे पर शनि मंदिर से 18 फरवरी को एक व्यापारी की जेब से 5 लाख रुपए चोरी की वारदात करने के मामले में पुलिस ने बावरिया गिरोह के एक बाल अपचारी किशोर को निरुद्ध किया, जिससे 4 लाख रुपए बरामद करने में सफलता मिली। सदर कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक नितिन देव लग्गन के निर्देशक के अनुसार 5 लाख की चोरी के आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई, जिसमें सीओ नॉर्थ राजेश मीणा के नेतृत्व में एएसआई बलवीर खान ने 12 व कोटा के बावरिया गिरोह के डेरों में दबिश दी, जिसमें भरतपुर की 4 महिलाएं और 4 पुरुषों को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इतवारी उसका साथी बाल अपचारी ने 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस पर बाल अपचारी किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बाल अपचारी ने वारदात करना स्वीकार किया। 18 फरवरी को सदर कोतवाली थाना अंतर्गत फवारा चौराहे पर शनि मंदिर में एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की चोरी का खुलासा आज बीएल मीणा के नेतृत्व में किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने चोरी का खुलासा किया है। हाँ सर, ये किस तरीके से वारदात दी थी और क्या? वारदात करते समय पता लगा कि एक दो बालक थे और वो वहाँ खड़े थे और वो भाग चुके हैं मौके से, और तुरंत ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो रेलवे स्टेशन तोपदड़ा है वहाँ पे दबिश दी थी और वहाँ कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष पकड़े गए थे। उनसे जानकारी मिली कि एक कोटा में कुनाड़ी थाना है, उसके अंदर रहने वाले बावरिया गिरोह के एक डेरा था जो फरार हो गया अभी, और कुछ लोग भरतपुर के थे उनके साथ में और जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। उसके तुरंत बाद हमारी पुलिस टीमें एक भरतपुर और एक कोटा रवाना की गई थी और पता लगा कि जो भरतपुर का गिरोह है और एक कोटा का, दोनों दो लड़के थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, और उनमें से एक बालापचारी है उसको हमने डिटेन किया है और उसके निशानदेही से हमने आज वारदात में जो 5 लाख रुपए की राशि थी उसमें से 4 लाख रुपए बरामद कर लिए गए और जो एक लड़का है उसकी तलाश की जा रही है। अच्छा सर, पुलिस पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कोडवर्ड ये वारदात के दौरान उपयोग में लिया करते थे जो गैंग को समझने में आसानी रहते, क्या कोडवर्ड थे? थोड़ा बावरिया गिरोह काफ़ी लंबा चौड़ा है जिसमें इनके जो परिजन और इनके जो साथी होते हैं जो छोटे बच्चों को वारदात में काम में लेते हैं, और वारदात करते वक्त इनके कोडवर्ड होते हैं ताहिरो, पुलिस के लिए भी यूज करते हैं, भीड़ भाड़ी वाली जगहों का काम में लेते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं। बराबर वाले किसी भी व्यक्ति को शक नहीं हो पता कि ये लड़के क्या बात कर रहे हैं। वारदात में कितने लोग थे इसमें और किस तरीके से ये बच्चों को ट्रेन करते हैं? मौके पे 2-3 बच्चों की उपस्थिति सामने आई है और इसमें एक जो इतवारी था जो इसका सरगना है वो भरतपुर का रहने वाला है जो फरार है, और इनके जो डेरे होते हैं उनके माँ बाप भी साथ रहते हैं और वारदात के तुरंत बाद में वो डेरों में पहुँच जाते हैं और वहाँ से अपना स्थान बदल लेते हैं। मीणा जी, एक बात बताएं, पब्लिक में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो शादी ब्याह और जो भीड़वाड़ा इलाके में आए उनको क्या, किस तरीके से सचेत रहने का संदेश देना चाहिए? पब्लिक को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो शादी ब्याह होते हैं और जहाँ भीड़वाड़े वाली जगह होते हैं वहाँ कुछ छोटे बालक होते हैं जो नए कपड़े पहन के आते हैं और नज़र जैसे महिलाओं की नज़र इधर उधर होती है, उसी वक्त पर्स उठा के और ये फरार हो जाते हैं या जिसकी जेब में पैसे या मोबाइल होते हैं वो निकाल के फरार हो जाते हैं। तो ऐसा कोई संदेश बालक के यहाँ घूमता हुआ पाया जाता है या आपको शक होता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और उससे तस्दीक कर ली जाती है और अगर कोई गिरोह है तो उसको खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो ये थे सदर कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मीणा जी। इनका पब्लिक से आग्रह है कि ऐसे भीड़ वाला इलाके में कोई संदिग्ध बच्चे या कोई युवक दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। मैं स्वामी न्यूज के लिए पवन अटारिया, कैमरामैन नरेश गौड़ के साथ। हिस्ट्री शीटर रामकेश मीणा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शार्प शूटर को अलवर गेट थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया, जिसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आईपीएस मोनिका सेन ने बताया कि रामकेश मीणा हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुरेंद्र कश्यप और उसके साथियों ने मृदंग सिनेमा के पास अंधाधुंध फायरिंग कर रामकेश मीणा को मौत के घाट उतारा था। तब से वह फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। शनिवार को हत्याकांड के मुख्य गवाह अनिल महावर से गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरेंद्र कश्यप की जेल में शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। बहरहाल आरोपी को बापरदा रखा गया है। रामकेश मीणा हत्याकांड जो जिसमें उस पर पहले फायरिंग हुई थी 14 जनवरी को, उसके बाद 31 जनवरी को उस पर फायरिंग हुई है जिसमें उसकी मौत हो गई, तो उसमें हमने सुरेंद्र है मेहर सिंह उसके फादर और ये सिखेड़ा गांव का है मेरठ से, उसको अरेस्ट किया है। ये उनमें से एक वो गुर्गा है जिसने मेन फायरिंग में जो 31 तारीख को और 14 तारीख को क्लॉक टावर एरिया में जो फायरिंग हुई थी, दोनों फायरिंग में ये इन्वॉल्व था।
और इसको हमने अभी फिलहाल गिरफ्तार किया है और आगे कार्रवाई। 3 फरवरी को एक पीड़िता द्वारा एक युवक के खिलाफ दुराचार के मुकदमे में सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुराचारी युवक को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने थाने में पेश होकर आरोपी अमित रेगर के खिलाफ रिपोर्ट दी। आरोपी अमित ने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ दोस्ती की और शादी का झांसा देकर पुष्कर के कई होटल्स में उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन दुराचार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी अमित रेगर को गिरफ्तार किया है, जिसे शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ अशोक, ये अमित सन ऑफ अशोक रेगर डोंगरिया कला, इसने मेरे दोस्ती का झांसा देके मेरे साथ रेप किया और शादी के नाम पे सिंदूर मांग में सिंदूर भर दिया, जिसको आज हमने यहाँ रामगंज हल्के से पकड़ा है। चक्कर चल रहा था तो उसने कहा कि साहब मेरे को झांसे में फंसा के और मेरे को अलग अलग होटलों में ले जाके मेरे साथ बलात्कार करता रहा और मेरी फेसबुक ID भी हैक कर दी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया, अनुसंधान कर रहे हैं, इसको अरेस्ट किया है अभी।